आज हम शिवसेना जिला मेरठ इकाई नगर निगम का घेराव करने उतरी है और उसके पीछे कारण है नगर निगम के ही अपने कर्मचारी जिनका शोषण नगर निगम किया कर रहा है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों को एक समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और जब एक समान वेतन सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं मिल रहा है, जब सफाई कर्मचारी का पेट ही भूखा है तो सफाई व्यवस्था कहाँ से होगी। कहते हैं भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, तो सफाई कहाँ से होगी। तो इसी मांग को लेकर शिवसैनिक उनके समर्थन में उतरे हैं और नगर निगम से हम नगर आयुक्त से कहने आए हैं कि आप शीघ्र ऐसे कर्मचारियों को समान वेतन दो जो एक समान होना चाहिए। जो परमानेंट कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी, उनको जो वेतन मिल रहा है वही अनियमित कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, तभी सफाई व्यवस्था हो पाएगी। हो क्या रहा है, ठेकेदारी पर छोड़ दिया गया है, ठेकेदार के दम पर ठेकेदार शोषण कर रहा है, कम वेतन पर कर्मचारी लगा रखे हैं। आज किसी वार्ड में ड्यूटी लगा दी, कल दूसरे वार्ड में ड्यूटी लगा दी। इस तरह की व्यवस्थाओं से नगर निगम का ढांचा बिगड़ा हुआ है, सफाई कर्मचारियों के घर नहीं चल पा रहे हैं, सफाई कर्मचारी परेशान हैं और नगर निगम के अधिकारी मस्त हो रहे हैं। उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है लेकिन चाहते हैं कि 7,000 रुपये तनख्वाह पर सफाई कर्मचारी से सफाई व्यवस्था कराई जाए। सफाई के 7,000 रुपये में घर का खर्चा कैसे चलेगा। इन सारी मांगों को अगर सफाई व्यवस्था करानी है तो उनके पेट भी भरने पड़ेंगे, तब शहर साफ होगा, नहीं तो शहर में गंदगी फैली रहेगी। ये मांग लेकर हम नगर आयुक्त के पास आए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आज शुरुआत है और आज शुरुआत पर हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आगे बहुत लंबी लड़ाई है। शिवसैनिक हर लड़ाई लड़ने को तैयार बैठा है। जिंदाबाद।